किसी ने सिगरेट दी तो किसी ने घर, किसी ने चरस आफू तो किसी ने शराब दी। इस खुशहाल जिंदगी के सफर की सारी आदतें खराब कर दी। लोग अक्सर बाहरी चुनौतियों से तो लड़ लेते हैं, लेकिन उनके अंदर की चुनौतियाँ उन्हें खोखला कर देती हैं। नशा एक ऐसी चीज है जिसका अंत सिर्फ विनाश और विनाश ही करता है। कभी खुशियाँ गम के बहाने तो कभी शान और शौकत के लिए किए जाने वाला नशा कब लत बन जाता है इसका पता भी नहीं चलता। कुछ पल भर की मजा जिंदगी भर की सजा कब बन जाती है इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। नशे के कारण कई जिंदगियां बर्बाद हुई है और सही समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो और कई जिंदगियां बर्बाद हो सकती है। पर क्या इसका इलाज संभव है? हमारी टीम ने इस पर रिसर्च किया है और पाया है कि नशा एक बीमारी है और इसका इलाज संभव है। पिछले कुछ सालों में भारत के साथ साथ पूरे विश्व भर में नशाखोर नशा पीड़ितों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसी नशे के कारण किसी ने हत्या तो किसी ने आत्महत्या करने के मामले भी सामने आए हुए हैं। इसी गंभीर परिणाम को देखते हुए नशे के नुकसान के प्रति जागरूकता लाने के लिए और साथ ही साथ नशा मुक्ति के लिए कुछ संस्थाएं भी आगे आई है और उन संस्थाओं में से एक है भंडारा व्यसन मुक्ति एवं पुनर्वसन केंद्र। यहाँ के मेन गेट से प्रवेश करते ही रास्ते के दोनों तरफ की हरे भरे पौधे आपका स्वागत करते हैं। इंट्रोडक्शन रूम में पेशेंट्स की काउंसलिंग करने के बाद लोहे के दरवाजे से अंदर आने पर सबसे पहले उन्हें डिटॉक्स रूम में रखा जाता है। 7-8 दिन यहाँ कुछ सेशन करने के बाद रोगियों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पर जनरल वार्ड है और डिलक्स रूम भी। यहाँ पर एसी रूम भी है और सुपर डिलक्स रूम भी। यहाँ पर अपने हिसाब से रुग्णों को सेवाएं दी जाती है और अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो यहाँ पर प्राइवेट एसी डिलक्स रूम भी अवेलेबल है जहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती है। साथ में एसी वार्ड भी अवेलेबल है जहाँ पर अपने हिसाब से जनरल और सेमी जनरल वार्ड में रुग्णों को रखा जा सकता है। जनरल वार्ड में भी जगह जगह यहाँ पर घूमते हुए सीलिंग फैन की व्यवस्था की गई है। एक अनुशासन के चलते यहाँ पर पेशेंट्स और केयर टेकर दोनों के लिए ड्रेस कोड है। रोज की एक दिनचर्या है। बड़े से हॉल में सब मन शांति के लिए और सामूहिक प्रार्थना एवं योगा के लिए इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर माइंड को डाइवर्ट करने के लिए जगह जगह पर नशा मुक्ति के स्लोगन्स एवं पोस्टर लगे हैं, जो नशे से दूर जाने की मानसिकता सबके मन में निर्माण करते हैं। रिलैक्स टाइम में पेशेंट्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या मनोरंजन के लिए टीवी पर प्रोग्राम्स देखते हैं। यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ मेडिटेशन भी किया जाता है। चेस कैरम इन खेलों के साथ साथ कुछ मैदानी खेल भी यहाँ पर खेले जाते हैं। प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। दूध नाश्ता खान पान डाइट का ध्यान रखते हुए सात्विक भोजन के लिए यहाँ प्रशिक्षित शेफ है जो स्वादिष्ट भोज बनाता है। यहाँ पर स्वच्छता के साथ साथ क्वालिटी का भी पूरा ख्याल रखा जाता है, इसलिए यहाँ पर आए लोगों को घर जैसा माहौल यहाँ पर लगता है। यहाँ पर डेली विजिट देने के लिए डॉक्टर अश्विन हटवाल आते हैं और सबकी सेहत का ख्याल रखते हैं। तो वही फर्क होता है घर पे ट्रीटमेंट करना और यहाँ व्यसन मुक्ति में ट्रीटमेंट का। एक बहुत बड़ा अंतर है, वो अंतर ये है कि डिसिप्लिन जो हम पेशेंट यहाँ पे हम लाते हैं, हम यहाँ पे प्रॉपरली मेडिकेशंस पूरा बीडी डोज 2-3 टाइम में जो मेडिसिन जाते हैं वो रेगुलरली जाते हैं, उसमें एक भी दवाई मिस नहीं होता है और कभी भी मिस नहीं होता है। और इस तरीके से देखा जाए तो पेशेंट का अगर कोई मेडिकेशन मिस ना हुआ और काउंसलिंग पार्ट कंटिन्यू चलता रहा तो पेशेंट को कहीं ना कहीं ये फील होना शुरू हो जाता है कि नहीं अभी हम यहाँ से बाहर आ सकते हैं। यहाँ पर जगह जगह रखे सीसीटीवी कैमरे से 24 आवर्स मॉनिटरिंग की जाती है। ऊंच नीच जाति धर्म मजहब सब भुलाकर यहाँ सब एक हो जाते हैं। भजन संध्या के साथ साथ यहाँ पर अपने मजहब के हिसाब से इबादत करने का पूरा फ्रीडम है। यहाँ पर की जाने वाली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट
यहाँ के इलाज का एक अहम हिस्सा है। सुबह से लेकर रात तक हर पेशेंट का शेड्यूलिंग बना हुआ होता है। बिहेवियर काउंसलिंग, सीबीटी थेरेपी, ग्रुप डिस्कशन और शेयरिंग क्लास के साथ साथ किए जाने वाले अन्य सेशंस से पेशेंट को खोई हुई पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और नकारात्मकता दूर होती है। योगा मेडिटेशन के लिए योग तज्ञ, सेहत का ख्याल रखने के लिए प्रशिक्षित डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पढ़ने के लिए बुक्स, न्यूज़पेपर, मनोरंजन के लिए टेलीविजन, खेल खेलने के लिए प्रोत्साहन, तनाव दूर करने के लिए मोटिवेशनल लेक्चर्स, इसके साथ साथ यहाँ पर जन जागृति के लिए प्रोग्राम्स और बर्थडे सेलिब्रेशन भी होता है। यहाँ से घर की तरफ जाने वाले रुग्णों को बाहर जाते वक्त इस व्यसन मुक्ति केंद्र के प्रति वह कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अब अपनापन लग रहा है, यहाँ इतने लोग हैं कि सब हम मिलजुल के चलते हैं, बाहर की जिंदगी की कुछ याद ही नहीं आती है। बहुत बढ़िया लगता है यहाँ, ऐसा लगता है कि हम यहीं रह जाएं, बढ़िया लगे क्योंकि मिलजुल के चलना पड़ रहा है यहाँ। और यहाँ नशा वशे का कुछ याद नहीं आता, ना कुछ गलत चीज की, ना संगति की, बहुत बढ़िया लगता है यहाँ। नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक शक्ति का और नई ऊर्जा का संचार कर नशाखोरी का इलाज संभव है, यह भंडारा व्यसन मुक्ति केंद्र ने सिद्ध किया है। मन में दुनिया जीतने का एहसास लाना है, बढ़ती नशाखोरी से अगर छुटकारा पाना है तो आज ही संपर्क करें भंडारा व्यसन मुक्ति केंद्र एवं रिहैबिलिटेशन सेंटर।